और हमने जाना है ओ थे गर्मी च। जी कसम भाई तो अभी हम लोग पहुंच गए जी मरीन मॉल रोड। माशाल्लाह यहाँ पे तो काफी गहमा गहमी है और काफी रश है। ब्यूटीफुल अच्छा होता है तो उधर ही बैठते हैं और बहुत ऊंचा हॉर्न भी गाया वो बस वाले ने। ये है जी मजे का फ्रूट होता है और ये चीज कसम से टेस्ट शदीद ठंड लग रही है और ये इसका सबूत है। बहुत शदीद ठंड है यार। तो अभी यहाँ से थोड़ा व्यू चेक करें। माशाल्लाह बर्फ से पहाड़ लदे हुए हैं भी एक दो जगह ऐसी हैं जहाँ पे स्नो फॉल हो रही है। वेलकम टू अनदर वीडियो। तो आज मैं और कासिम भाई जा रहे हैं जी मरी, यहाँ से कराना है बाइक वॉश क्योंकि काफ़ी दिन हो गए बाइक वॉश नहीं हुआ और आज मतलब गंदा बाइक हो तो चलाने का दिल नहीं करता। तो खूबसूरत नौजवान मेरे साथ है आज भी और चलते हैं इधर मरी क्योंकि मौसम इधर बहुत गर्मी होगी और वैसे भी इस बाइक का काम है आज। तो बस बाइक होता है वॉश तो फिर निकलते हैं। सो तो व्यूवर्स हम लोग पहुंचने वाले हैं मरी। अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सफ़र रह गया तकरीबन घंटे का हार्डली जो है 1.5 आवर का। तो अभी जहाँ पे मैं खड़ा हूँ ना यहाँ से जो व्यू नज़र आ रहा है बादल किसी किसी जगह है, इस पूरे पहाड़ में बादल है। यहाँ से एक और बड़ी इंपॉर्टेंट जगह है जो बड़ी खूबसूरत है, इंपॉर्टेंट नहीं खूबसूरत है, पिंडी के ज़िला पिंडी में ही आती है और इंतहा की खूबसूरत जगह है वो सामने जो जगह है पंच पीर उसे कहते हैं। वो भी यहाँ से क्लियर नज़र आ रही है। अगर यहाँ से अच्छा एक कैमरा हो जिसका जूम अच्छा हो तो ये जगह मैं आपको दिखा सकता हूँ। इसमें मोबाइल में कोशिश करता हूँ, अगर कोई थोड़ा व्यू आता है तो मैं दिखाता हूँ आपको। सो व्यूवर्स ये वाली जो जगह है ये है एग्जैक्टली वो जो पंच पीर की पहाड़ी है और थोड़ा जूम करके चेक करते हैं कि कुछ नज़र आता है या नहीं। अभी गर्मी है उस वजह से उस तरह से मतलब फोकस नहीं हो पा रहा लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ नज़र आ रहा है। ये पक्का इरादा है कि ऐसी जगह पे एक जगह लेनी है जहाँ पे घर बनाना है इंशाल्लाह, लेकिन रहना अकेला है। ये नीचे पूरी वैली है और उस साइड पे है मरी। सो यहाँ पे थोड़ी देर रुकते हैं, आगे देखेंगे कुछ चाय वगैरह का होटल वगैरह आता है तो चाय का कोई इंतज़ाम करेंगे और फिर निकलेंगे मरी। मरी क्यों जी कासिम साहब? इलाका स्टार्ट हो गया है। अब यहाँ से 1 किलोमीटर आगे जो न्यू मरी का चौक है और वहाँ से एक रोड जाती है सरासी को और एक न्यू मरी। सो मरी तो अभी यहाँ पे रुके हैं जी। यहाँ पे एक सौगात है, ये उसका पौधा है, इसे पता नहीं क्या बोलते हैं, आखे आखे बोलते हैं मैंने पहले तो यही नाम सुना हुआ है। और ये तोड़ते हैं और देखते हैं इनका क्या टेस्ट है। वैसे मैंने तो पहले खाए हुए हैं, इस भाई को टेस्ट चेक करवाना है। तो ये हैं जी, ये बड़ा मज़े का फ्रूट होता है और ये चीज़ कसम से टेस्ट करें। कैसा? ज़बरदस्त। थोड़ी सी और यार खा लेते हैं, बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। थोड़ा दूर है फ्रूट लेकिन जो है चले नज़दीक है उसको तो तोड़ लेते हैं, पेट तो खराब हो जाए बाकी। सामने ऊपर जो पहाड़ है इसके टॉप जो है वो पतराटा है और बहुत घना जंगल है और ये यहाँ से इतना हाइटेड तो नहीं लग रहा क्योंकि इस पहाड़ की चोटी आगे इस साइड पे है और ये जहाँ पे खड़े हैं ये भी काफ़ी हाइटेड है
और बहुत घना जंगल, ज़्यादातर जो दरख्त हैं वो देवार के आई थिंक, क्योंकि यहाँ से तो यही लग रहा है मुझे, ख़ास कुछ पहचान नहीं है इनकी। पार्किंग है न्यू मरी पार्क की, और यहाँ से ऊपर जो है ये चेयर लिफ्ट का रास्ता है, तो हमने यहाँ से जाना है ऊपर वाली साइड पे। और ये जो है ये न्यू मरी का बाजार है, यहाँ से राइट हो जाए तो सरासी और लेफ्ट हो जाए तो आप मरी चले जाओ। तो न्यू मरी से हम लोग आगे आ गए, यहाँ से जस्ट हमने एक्सप्रेस वे पे होना है और वहाँ से चलना है मरी मॉल रोड होटल पे, जहाँ पे कासिम भाई का काम है। लेकिन यहाँ से जो नज़ारा है ना पहाड़ों पे, ये कश्मीर के पहाड़ हैं आई थिंक या नॉर्दर्न एरियाज़ के हैं, लेकिन बर्फ़ से लदे हुए हैं। और अभी भी यहाँ से एक दो चोटियाँ ऐसी हैं जहाँ से फील हो रहा है कि वहाँ पर अभी भी स्नोफॉल और बर्फ़बारी हो रही है। सो मैं कोशिश करता हूँ आपको दिखाता हूँ यहाँ से उन पहाड़ियों का व्यू। तो माशाल्लाह बहुत ही प्यारी जगह है ये, एक तो लैंडस्केप यहाँ पे, ये वाला जो जगह है, ये वाली जो जगह है ये बहुत ही खूबसूरत यहाँ से नज़र आ रही है, और सेम इसी तरह ये वाली, क्योंकि यहाँ पे घास का मैदान सा है, आबादी या बड़े दरख्त नहीं है, लेकिन ये है कि देखने में जगह बहुत प्यारी लग रही है। सेम ये इसी तरह ये वाली जगह भी, और यहाँ से अगर ऊपर मैं थोड़ा कैमरा करूँ तो ये वाले जो पहाड़ हैं ऊपर ऊपर, ये सारे बर्फ़ से लदे हुए हैं, और इस साइड पर भी बर्फ़बारी हो रही है। सो इसको ज़रा और ज़ूम करते हैं। वाह व्हाट अ ब्यूटी यार, माशाल्लाह मई का मौसम और यार ये बर्फ़ हैरान कन बात है। वैसे इन एरियाज़ में तो साल के 12 महीने जो है बर्फ़ रहती है, लेट मेल्ट होती है, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं होती। इतने आगे ऐसा ना हो कासिम भाई का जो काम है वो भी ना हो, वो बंदा चला जाए तो फिर जो है इधर आने का फ़ायदा नहीं होगा। तो निकलते हैं अब आगे। अभी हम लोग पहुंच गए जी मरी मॉल रोड। माशाल्लाह यहाँ पे तो काफ़ी गहमा गहमी है और काफ़ी रश है। ये है जी जीपीओ की बिल्डिंग, पीछे होटल्स हैं, ये रहे कासिम साहब अपने डील कर रहे हैं, और ठंड काफ़ी ज़्यादा है। और इस होटल में काम है जी कासिम साहब का, मरी कॉन्टिनेंटल होटल। और इस अपडेट के साथ साथ एक और अपडेट ये है कि जो बाइक का टॉप ऑफ उतार के ले गया था वो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने लगवा लिया है। मैं समझ रहा था नीचे वाला होटल है, बट ये काफ़ी सारी स्टेज जो हैं चढ़ चुके हैं और अभी आगे हैं। सो चलते हैं ज़रा, सांस चढ़ गया यार, काफ़ी अर्सा हो गया हाइकिंग नहीं की, उसके जो बुरे असर हैं वो ज़ाहिर होना शुरू हो गए।
तो काम वगैरह देख लिया जी बॉस। ये होटल है फर्स्ट फ्लोर के भी और ऊपर वाला जो है ना, सॉरी ये ग्राउंड फ्लोर है, ऊपर फर्स्ट फ्लोर है। तो कुछ है तो ये कासिम साहब ये बात कर रहे हैं जाहिर भाई से, ये जो है होटल के ऑनर हैं। और होटल का नाम क्या है जी? लाल गेस्ट हाउस। सो अब जस्ट निकलना है, मुझे अब डर है कि जाते हुए ठंड ना हो जाए क्योंकि मुझे अभी भी शदीद ठंड लग रही है। सो जी यहाँ का काम तो हुआ पूरा, और मोबाइल की बैटरी लो या पता नहीं, अल्लाह करे बैटरी निकल जाए थोड़ा तो वीडियो मेरी पूरी हो जाएगी। काफ़ी ज़्यादा स्टेज हैं ये, अब चल रहे हैं नीचे जस वहाँ से निकल रहे हैं बाइक और घर की तरफ निकलते हैं फिर अल्लाह का नाम लेके। क्यों जी कासिम भाई? हाँ जी, एक और बात तो मेरे चल हो गए, शदीद ठंड है। ये रहा जी हमारा बाइक और हमने चलना है इस साइड पे। सो अब निकल तो हम आए मरी से लेकिन शदीद ठंड लग रही है और ये इसका सबूत। बहुत शदीद ठंड है यार, मैं अब दुआ करूँ कब जाके कहीं बड़ा कहूँ पहुँचूँगा या कम अज़ कम यहाँ से निकलूँगा। सो अभी हम जा रहे हैं जी एक्सप्रेसवे वाली साइड से, क्योंकि उस साइड से जिस साइड से आए हैं उधर बहुत शदीद ठंड हो गई है अभी। और अभी जहाँ पे हम रुके हैं वहाँ से ऊपर सामने मॉल रोड नज़र आ रही है, ये सारी जो है ये होटल है, काफ़ी गुंजान आबाद यहाँ से इलाका नज़र आ रहा है। लेकिन इन स्टेट्स के अंदर घूमें तो आपको फील नहीं होता कि इतनी यहाँ पे आबादी है, इतने होटल्स या बिल्डिंग्स हैं। सो अभी यहाँ पे रुके हैं क्योंकि यहाँ पे ठंड जो है वो बर्दाश्त से बाहर हो गई है। और इस्लामाबाद वगैरह का नज़ारा यहाँ से किया जा सकता है, लेकिन अभी क्योंकि एक तो धुंध है और दूसरा कैमरा इतना अच्छा नहीं है, बस वो फोकस नहीं हो सकता ना इतना जूम हो सकता है, बट अच्छा नज़ारा है। ये रास्ता मरी के लिए अगर एक्सप्रेस वे से आए तो शॉर्ट है, लेकिन यहाँ पर चढ़ाई बहुत ज़्यादा है और ब्यूटीफुल। अब यहाँ पे थोड़ी सी ठंड कम हुई है क्योंकि हाइट से हम काफ़ी नीचे आ गए, तो वो ऊपर यहाँ से 4 किलोमीटर हम नीचे आ गए यहाँ, और देखते हैं होपफुली घंटे तक घर पहुँच जाएंगे। सो जी तो एक्सप्रेसवे के पास पहुँच गए, वो सामने एक्सप्रेसवे है, ये वाला जो रोड है ये जाके नीचे ही आएगा। लेकिन यहाँ पे खड़े इसलिए हुए हैं कि वो जो नीचे वाली घर है ना, इन घरों की मैं बात कर रहा हूँ, बड़ी ज़बरदस्त और बहुत प्यारी जगह है माशाल्लाह। और हमने जाना है ओ थे गर्मी च उस कोने में। जी कासिम भाई तो कट ही जाएगा सफर। सो जी अभी हम रुके हैं जी चाय के लिए और साथ कासिम साहब लाए हैं पकौड़े। और ये बसेस हैं जो ये मुजफ़्फ़राबाद रूट की है, यहाँ से मतलब पिंडी से मुजफ़्फ़राबाद, इस्लामाबाद से मुजफ़्फ़राबाद। सो अभी पीते हैं गरम गरम चाय, साथ खाते हैं पकौड़े और फिर निकलते हैं घर। होटल ये बड़ा प्यारा है, ग्रीन रेस्टोरेंट नाम है इसका। हम पहले यहाँ पे नहीं बैठे, हम पहले आते रहते हैं, लेकिन वो रेस्टोरेंट वो कुछ एक्सप्रेस वे है वहाँ से, क्योंकि नज़ारा ज़रा अच्छा होता है तो उधर ही बैठते हैं। ये और बहुत ऊंचा होटल लगाया हुआ इस बस वाले ने। सो अभी बस पीते हैं चाय और फिर